दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है ये आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 90-12-95-17-57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। वो आज का जो टॉपिक है वो है श्री सूर्य देव की महादशा 6 वर्ष की होती है और नवग्रहों का उसमें अंतर और 12 भाव जो कुंडली के अंदर होते हैं, तो सूर्य जहां बैठते हैं तो उसका महादशा में किस प्रकार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और कुंडली विश्लेषण, कुंडली अध्ययन के लिए, ओरा स्कैनिंग के लिए, वास्तु के लिए या ज्योतिष से संबंधित समाधान के लिए आप जरूर संपर्क करें। रतन रुद्राक्ष की जानकारी के लिए, लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को सकारात्मक पॉजिटिव प्रबल करना चाहते हैं तो अगर और लोगों को ये सूर्यदेव की महादशा की वीडियो भेजेंगे तो उससे भी सूर्यदेव महाराज की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, ठीक है। 6 वर्ष की महादशा होती है और उस 6 वर्ष में 9 ग्रह यानी कि सूर्य के अंतर में सबसे पहले सूर्य आते हैं, सूर्य के अंतर में फिर चंद्रमा आते हैं, सूर्य की महादशा में फिर मंगल का अंतर, सूर्य की महादशा में फिर राहु का अंतर, फिर गुरु का अंतर, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का, फिर शुक्र का अंतर होता है। तो सूर्य में सूर्य का अंतर जो होता है वो अच्छा ही होता है कि सूर्य मतलब खुद अपनी अंतर दशा में चलते हैं, ठीक है। सूर्य के अंदर सूर्य के अंदर जो चंद्रमा का महादशा होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है। सूर्य के अंदर मंगल का भी अंतर अच्छा होता है। सूर्य के अंदर राहु का अंतर जो है वो सही नहीं होता है, लेकिन वास्तविक क्या है कि सूर्य की मित्र राशि में, क्योंकि चूंकि आप जानते हो कि सूर्य और राहु ग्रहणी योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य की अंतर दशा में राहु अगर जैसे मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं या गुरु की राशि में बैठे हुए तो रिजल्ट अच्छे रहते हैं, वरना रिजल्ट यहाँ के बहुत खराब हो जाते हैं। खास करके पिता और पुत्र के बीच में, मान सम्मान और कष्ट के बीच में, स्वास्थ्य को लेकर, आंखों को लेकर ये दिक्कतें खड़ी हो जाती है। सूर्य के अंदर अगर गुरु की महादशा हो जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया सर्वोत्तम योग माना जाता है, लेकिन इस योग के अंदर एक बड़ा गलत चीज पैदा हो जाती है, व्यक्ति के अंदर घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है अपने काम के प्रति, उसके ऐसा लगता है कि जितना मैं जान गया उतना सामने वाले व्यक्ति नहीं जानता, और यही सबसे बड़ा उसके लिए घातक योग होता है। सूर्य की महादशा और राहु के अंतर में व्यक्ति को जितने भी व्यसन है यानी मादक पदार्थ, नशा का संबंध, ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों की भी संगति छोड़ देनी चाहिए। सूर्य की महादशा में शनि का अंतर जो है बहुत ही कष्टदायक होता है, हड्डियों को लेकर रोग पैदा हो जाती है, रीढ़ की हड्डियों को लेकर दिक्कत हो जाती है, आपसी कलह हो जाता है, ठीक है। लेबरों से जो आप अगर मान ली ठेकेदार हो, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चली या आप ऐसा कोई काम करते हो जहां लेबर से आप काम लेते हो, तब भी आपको दिक्कत खड़ी हो जाती है। सूर्य की महादशा में बुध का अंतर सही रहता है, लेकिन वास्तव में कुंडली मेष लगन की, आपकी वृषभ लगन की, आपकी वो सॉरी वृश्चिक लगन की, धनु लगन की, मीन लगन की, कर्क लगन की है, तो वरना बुध की महादशा में भी सम प्रभाव देखने मिलता है। सूर्य की महादशा में केतु का प्रभाव मंगलवत होता है, जैसे मंगल को मैंने आपको बताया कि राहु जो है शनिवत चलते हैं, वैसे राहु केतु जो है मंगलवत चलते हैं, लेकिन मंगल सूर्य की मित्र राशि या सूर्य के संग विराजमान हो तो ये अच्छा रिजल्ट होता है, वरना रिजल्ट गड़बड़ा जाते हैं। सूर्य के संग में केतु, सूर्य के संग में शुक्र की महादशा, मतलब शुक्र की अंतर दशा, सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर, मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा तेज बोल गया था मैं, सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर जो होता है वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो दिक्कत पैदा होती है वो स्त्रियों से होती है। स्त्रियों की तबीयत खराब हो सकती है, घर के अंदर जो आपका दक्षिण और पूरब का जो ना कोना होता है अग्निकोण, अगर इस बीच में क्या है कि अगर आप टैंक करवाते हैं, सेप्टिक टैंक लगवा देते हैं, लैटरिन या कोई ऐसी गलत चीज वहां करवा देते हैं, तो परिवार की महिलाओं को विशेष रूप से बहुत बड़ा कष्ट और बहुत बड़ा रोग भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो वो राग की जो मानक है कि सूर्य की महादशा के अंदर किस प्रकार का फल मिलता है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक फार्मूला और बताने जा रहा हूं। इस फार्मूले को अगर आपने समझ लिया तो सूर्य की महादशा को आप समझ जाएंगे। देखो, सूर्य की महादशा में क्या है कि सूर्य जहां बैठे हों, यहां फिर से समझिएगा, सूर्य जहां बैठे हों, सूर्य की अंतरदशा में जो ग्रह चलेंगे उनका रिजल्ट केंद्र में अगर हो, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके लगन के अंदर बैठे हुए हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए सूर्य आपके लगन के अंदर बैठे हैं तो
लगन का केंद्र कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4 यानी चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर, ठीक है, और आपका कौन सा घर, आपका खुद लगन। तो अगर मान लिया सूर्य के केंद्र में कोई ग्रह आ जाता, चाहे मान लिया जैसे सूर्य के जो विपरीत ग्रह कौन कौन से हैं भाई, विपरीत ग्रह आपका शनि हो गया, केतु हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, राहु हो गया, ठीक है, बुध भी हो गया। तो अब क्या है कि कहने का तात्पर्य बुध तो सूर्यदेव के एक घर आगे या एक घर पीछे या सूर्यदेव के संग में चलते हैं। मान लिया सूर्यदेव यहां होंगे तो या एक घर आगे होंगे, एक घर पीछे होंगे, या सूर्यदेव के संग में बुद्धदेव होंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपने क्या करना है कि ये देखना है कि जिसकी अंतर्दशा है वो सूर्य के केंद्र में आ जाए। जैसे मान लीजिए चार में सूर्य से चौथे घर में, सूर्य से सातवें घर में, सूर्य से दसवें घर के अंदर, सूर्य के संग में, या सूर्य से तीसरे घर में, सूर्य से ग्यारहवें घर में। तो अगर वो ग्रह बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही विपरीत है, तब भी उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलते हैं। तब भी उसके अगर मान ली, यहाँ पे मैंने बहुत फार्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई चौथा घर शोक भाव, सप्तम घर व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, और दसम घर आपके कर्म के क्षेत्र का, ग्यारहवा घर आपके लाभ का होता है, तो और तीसरा घर आपके पराक्रम मेहनत का होता है। तो अगर ऐसे में अगर सूर्य जिस जगह पे बैठा हुआ ग्रह है उससे अगर केंद्र में और तीसरे ग्यारहवें का अगर संबंध बनता है अंतरदशा में, तो वो भी प्रभाव अच्छा रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य की महादशा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कुंडली के अंदर। भाई अगर सूर्य की अगर लगन के अंदर बैठे हैं, यहां पर मैं एक बात बताऊं, सूर्य के पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक आपकी दृष्टि है, एक आपकी दृष्टि है, वो कौन सी है, सात नंबर, सात नंबर की दृष्टि है। तो सूर्य अगर लगन में बैठे हैं तो लगन से उनका सीधा सीधा क्या संबंध बनेगा, यहां से बनेगा, सप्तम घर से। तो सूर्य अगर सप्तम घर को देखेंगे तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में कलह होगा, अखंड सत्य, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अपना लीडरशिप, अपना जो है जुनून, अपना जो है घमंड, अपना जो है वर्चस्व, अपना जो है योग्यता दिखाना चाहोगे और सामने वाले पर दबाव बनाना चाहोगे। तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार के लिए सूर्यदेव जो है अगर लगन में बैठे हुए हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता सूर्य की महादशा में। ऐसे में क्या होता है कि आपके घमंड के चक्कर में क्या होता है कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन है तो तलाक भी हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके घमंड और ना झुकने के कारण में। दूसरी चीज क्या है कि सूर्यदेव यहां बैठने के बाद में आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ाते हैं। बस अगर लगन में बैठे सूर्यदेव है, उनकी महादशा चल रही है, तो इसको आपको अच्छा करने के लिए बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइएगा अगर आपके सप्तम घर के स्वामी कहां है, वरना दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है, बहुत ही कष्ट पैदा हो सकता है, और खास करके आंखों को लेके, माइग्रेन को लेके, ठीक है, और जोड़ों के दर्द को लेके, और रीढ़ की हड्डी को लेके, ठीक है, और कंधों के लेके प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक, बात करते हैं दूसरे घर में अगर सूर्यदेव हैं, तो दूसरे घर में सूर्यदेव हैं तो सप्तम दृष्टि कहां पड़ी, अष्टम भाव पे। तो यहां पर क्या है कि व्यक्ति का वाणी बहुत उग्र हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उसको गले के संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो है सीधे आंख की तरफ का माइग्रेन यानी सिर दर्द हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहां पर क्या है कि सूर्यदेव आपको बस एक बात, अगर यहां के सूर्य की एनर्जी को आप कंट्रोल कर लेते हो, ये तो निगेटिव बात थी, लेकिन सूर्यदेव की यहां की एनर्जी को आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपार धन संपदा के भी मालिक हो सकते हो। पराक्रम भाव के अंदर अगर सूर्यदेव हैं तो पराक्रम भाव के अंदर सूर्यदेव की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। तो यहां पर क्या है कि सूर्यदेव अगर होते हैं और सूर्य की महादशा चलती है तो ऐसे में व्यक्ति के पिता को बहुत कष्ट मिलता है और व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ती है और उन लोगों के संग में मेहनत करनी पड़ती है कि जहां उसका जो दिल होता है ना, दिल अंदर आत्मा गवाह नहीं देती है कि साहब भाई यहां पर हमें मेहनत करना चाहिए, लेकिन तब भी मजबूरी, बस कहते नहीं है कि मन नहीं लगता तेरे बिना, लेकिन काम करना नहीं है, काम छोड़ नहीं सकता तेरे बिना, कुछ ऐसा ही माहौल बन जाता है पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हो। और वो अब व्यक्ति अगर मान ले सूर्य उसकी कुंडली में कारक है तो वो अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमका लेता है, अगर अकारक है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, कंधों में दिक्कत आती है, कभी कभी नस भी चली जाती है शरीर के अंदर, सिर का और सिर के हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है, अंदर जो है उसके मन में खौलनपन रहता है और उसको कभी कभी ब्लड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। चौथे घर के अंदर अगर सूर्यदेव हैं और उनकी महादशा चल रही है तो ये रिजल्ट जो है भार कर्म क्षेत्र की, उनकी सातवीं दृष्टि कहां पड़ गई, यहां पड़ गई कर्म क्षेत्र के लिए, तो बहुत अच्छा माना गया है कि रिजल्ट भाई वहां पर बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट वहां पर उनका बहुत अच्छा मिलता है कर्म क्षेत्र में, लेकिन घर का माहौल बहुत गड़बड़ हो जाता है। कारण क्या है भाई, देखो हर ग्रह की एक ऊर्जा होती है, तो सूर्यदेव की जो यहां ऊर्जा है वो ऊर्जा है गर्म,
और घर का माहौल हमेशा ठंडा होना चाहिए। चौथे घर में चंद्रमा, शुक्र, बुध बहुत कारक माने गए हैं, ठीक है। खास करके चंद्रमा और शुक्र बहुत कारक माने गए हैं, तो शुक्र और चंद्रमा की जगह पे जब सूर्यदेव जगह अपनी घेरती है कुंडली के अनुसार, तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा घर का जो जीवन होता है वो ऐसे बोलो अस्त व्यस्त होता है। तो यहां पर क्या है कि सूर्यदेव को अच्छा करने के लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइएगा, वरना आपके आपकी सूर्य की महादशा में, जैसे आपकी सूर्य की महादशा भाई 6 में 6 साल की चल रही है, मान लिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आधी निकल चुकी है, एंड होने वाली है, शुरुआत होने वाली, जरूर दिखाइएगा, अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइए, क्योंकि यहां पर चौथे घर का जो मालिक है उसको मजबूत करना है। अगर सूर्य की ही राशि आ रही है तो सूर्य को पॉजिटिव करना है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जो दीपक होता है ना, वो जो जो दीपक होता है, जो अग्नि होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो आपके चूल्हे को भी रोशन कर सकती है और आपके घर में भी आग लगा सकती है। तो सूर्य की जो रोशनी है, अगर वो रोशनी हमें ना मिले तो हमारा जीवन का भी अंत हो जाएगा, और सूर्य की रोशनी अगर ज्यादा मिल जाए तो कूलर एसी भी काम करना सब बंद कर देते हैं। और इसका हाल आप राजस्थान के कुछ लोगों से और कुछ ऐसे देशों से ले सकते हो जहां भयंकर गर्मी पड़ती है, तो व्यक्ति गर्मी के मारे बहाल होता है। तो यहां पर अगर अत्यधिक गर्मी हो गई तो घर का माहौल आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपको फेफड़े के अंदर खुश्की की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, ठीक है, धैर्य की कमी हो सकती है, घर में कलह हो सकता है, घर में गुस्से के अंदर आप कोई बड़ा कांड कर सकते हो, किसी पे हाथ छोड़ देते हो, छो या आप किसी के संग कुछ ऐसा औजार मार देते हो गुस्सा जब आने के बाद में, तो जिसका जीवन भर पर्यंत आपको कलेश झेलना पड़ सकता है। बात करें आपके पंचम भाव में सूर्यदेव, तो पंचम भाव के सूर्यदेव कारक मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा भाव है। लेकिन अगर ये मित्र राशि में है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है ये, ठीक है, और आपके चंद्रमा की राशि में है, ठीक है, तब भी अच्छे माने गए कुल मिला के। और उसके बाद में मेष राशि में तो उच्च के हो जाते हैं, वृश्चिक राशि में तो अच्छे माने गए। लेकिन अगर यहाँ पर ये तुला राशि में आ जाए, मकर राशि में आ जाए, कुंभ राशि में आ जाए, और आपके 2 नंबर में यानी वृषभ राशि में, 3 नंबर यानी कन्या राशि, और 6 नंबर अगर वो 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इस राशियों में है तो कुंडली में के अंदर सूर्य का विश्लेषण जरूर करवाएं, क्योंकि सूर्य की महादशा भैया 1 दिन की नहीं होती, पूरी 6 वर्ष की होती है। और 6 वर्ष में एक बच्चा जन्म लेने के बाद में पापा मम्मी डैडी दादी बाबा सब बोलने लगता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर जाता है, 1-2 क्लास उसके प्ले ग्रुप के निकल चुके होते हैं। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा 6 साल का वर्ष का माना गया। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है उसको सही कर दीजिएगा, अगर आप सही नहीं करेंगे तो मंगल की महादशा आपकी बिगड़ जाएगी, और आपकी आने वाली है तो उसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। पंचम घर के सूर्यदेव जो है विद्या बहुत अच्छी देते हैं, सब कुछ मान सम्मान भी देते हैं, ज्ञान देते हैं, और राजनीतिक करियर भी बनाते हैं। लेकिन इसके संग संग एक चीज और होती है कि अगर स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में अगर सूर्यदेव की राशि या सूर्यदेव आते हैं जहां से उनकी महादशा चल रही है यहां पर, तो बहुत ही भाई दिक्कत खड़ी होती है। क्योंकि जो गर्भ होता है, गर्भ अत्यधिक यानी पेट का स्थान भी माना गया है पंचम भाव, तो अत्यधिक गर्माहट होने के कारण क्या, बच्चे को धरा पे आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार गर्भपात भी हो जाता है। छठे घर के सूर्यदेव कारक माने गए हैं, लेकिन छठे घर के सूर्यदेव अगर मित्र राशि में है और उच्च हैं, वली हैं, ठीक है, और उन वो मतलब वृद्ध अवस्था में नहीं है, अंश बल से कमजोर नहीं है, तो बहुत ही अच्छा माना गया है सूर्यदेव को। यहाँ पे अगर आप बल दे देते हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सैन्य बल सेना में जा सकता है, या कोच बन सकता है, अच्छा एक अच्छा लीडर बन सकता है, और शत्रु हंता योग का निर्माण भी यहाँ हो जाता है। क्योंकि कहते हैं यहाँ छठे घर के अंदर अगर शनिदेव, राहुदेव, ठीक है, मंगल और सूर्य अगर आ जाते हैं तो ये शत्रुहंता योग होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर उस छठे घर में जो बैठे हुए सूर्यदेव को मजबूत कर लेता है तो वो हर प्रकार से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो कचहरी हो, ठीक है, चाहे दुश्मन हो, चाहे कॉम्पिटिशन, वो हर जगह विजय प्राप्त करता है और जीवन में सफल हो जाता है। लेकिन छठे घर की महादशा में ये भी है कि अगर सूर्यदेव यहाँ के कमजोर हैं और सूर्यदेव आपके लिए मारक भाव के हैं और उसमें छठे घर के अंदर बैठे हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, कोर्ट कचहरी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब चीजें पैदा हो जाती है। सप्तम घर के सूर्यदेव बिल्कुल ही कारक साफ नहीं माने गए, क्योंकि सप्तम घर के अंदर सूर्यदेव दाम्पत्य जीवन को पूर्ण रूप से तबाह
तहस नहस कर देते हैं, चाहे वो मित्र राशि में हो चाहे वो शत्रु राशि में हो। अगर सप्तम घर के अंदर सूर्यदेव जो है वो क्या करते हैं, वो सीधी दृष्टि कहाँ डालेंगे भाई, लाभ के लगन पे। और जब सूर्यदेव का जैसे मान लिया आपको एकदम चमक आ जाएगी, आपके मस्तिष्क में चमक आ जाएगी, आपके काम धंधे के लिए बढ़िया है, ठीक है, आपके खास करके जॉब करने के तरीके से बढ़िया, व्यापार के लिए भी बढ़िया नहीं। लेकिन एक दिक्कत पैदा हो जाती है कि भैया आपके अंदर घमंड आ जाता चूर चूर के कि मैं हूं और मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ हूं, ठीक है। और आप बाहर के माहौल से अच्छे हैं लेकिन दांपत्य जीवन के माहौल से, क्योंकि भैया दांपत्य जीवन जो है उसके अंदर एक विशेष बात होते चलना चाहिए कि दांपत्य जीवन के अंदर एक चीज विशेष होती है, वो क्या है कि थोड़ी आपने कही, थोड़ी मैंने कही, थोड़ी मिलजुल के आपने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। लेकिन अगर आप ही आप कह रहे हो, सामने वाला नहीं बोल रहा है, तब भी दिक्कत है। और अगर मान लीजिए सामने वाले को आप दबा रहे हो तब भी दिक्कत होती है। यहां पर क्या है कि एक प्रकार से अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण तलाक की नौबत आ ही नहीं जाती, हो ही जाता है। और आज के परिवेश में किसी को बर्दाश्त तो साफ होता नहीं है। तो सप्तम घर के अंदर अगर सूर्यदेव है, वो महादशा शुरू हो गई है, हो चुकी है। अगर आप सप्तम घर के अंदर महादशा है और आप जो है अपने दांपत्य जीवन से थोड़ा दूरी पे रहते हैं, जैसे मान लिया सपोज आप जॉब करने जा रहे हैं, आप 15 दिन में महीने भर में आ रहे हैं, तो इतनी एक घड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लिया आप कंटिन्यू जो है अपने जीवन साथी जीवन संगनी के संग 7-8 घंटे 5 घंटे बिता रहे हैं या जीवन साथी के संग, तो ये दिक्कत जरूर हो सकती है। अगर ऐसी दिक्कत है और कहीं से भी अगर सूर्यदेव पे रहा, मतलब मान लिया देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और अगर कहीं मान लिया सूर्यदेव के आगे पीछे कोई पापक ग्रह बैठे हुए हैं या इनके संग में कोई पापक ग्रह की युक्ति है, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, वरना जिंदगी अब आप समझ सकते हैं, आगे नहीं बोलूंगा मैं। अष्टम घर के अंदर सूर्यदेव बिल्कुल ही अच्छे नहीं माने गए हैं भाई, लेकिन अष्टम घर के सूर्यदेव अच्छे इसलिए नहीं माने गए, सबसे पहले दृष्टि इनके दूसरे भाव पर जाती है। तो व्यक्ति ऐसा कुछ बोलता है कि व्यक्ति के गुप्त शत्रु गुप्त दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अष्टम घर के अंदर सूर्यदेव जो होते हैं वो उनकी, मैंने कुछ लोगों की कुंडली देखी है सन 2002 से अभी तक, इतने लंबे समय में मैंने कुछ ऐसे लोगों के केसेस देखे हैं जिनको लोगों ने जानबूझ के जहर दे दिया, ठीक है, या जिनको गुप्त तरीके से मार दिया गया कि मान लिया घूमने गया बंदा, उसको बहुत चाकू मारे गए, बहुत मतलब उसको गोलियां मार देंगे, उसकी लाश मिली। तो ये अष्टम घर के जो सूर्यदेव होते हैं अगर ये मित्र राशि में नहीं है और कुंडली के अंदर मारक भाव के स्वामी हैं, उसके बाद में इनपे कोई पापक ग्रह की दृष्टि या पापक ग्रह की युक्ति हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी बोली से जो है लोगों को दुश्मन बना लेता है, और व्यक्ति अपने खान पान से अपने शरीर को गिरा लेता है, और व्यक्ति मादक पदार्थ और व्यसनों में फंस के अपने जीवन को तबाह कर लेता है। ऐसी उसकी संगति हो जाती है और वो संगति उसका यूज करती है, मौका मिलने पर उसको जो है फंसा देती है, जेल कोर्ट कचहरी, उसकी मृत्यु, उसको गोली मारना, उसको चाकू मारना, उसको जहर देना, ये सब चीजें पैदा हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर अष्टम घर के जो शूर हैं बहुत अस्त हैं और कुंडली के अंदर मान लिया मारक किसी की भी ग्रह दशा चल रही हो, किसी सूर्य के अलावा भी चल रही हो और उसमें सूर्य का अंतर आ जाए, तो ऐसे में लोगों को जो विषघात भी होता है, जैसे मान लिया सांप काट लेना या कोई जहरीला जीभ काट लेना या इस प्रकार से एलर्जी हो जाना, यहां तक कि यह लोहा कुछ लगने के बाद में व्यक्ति को टिटनेस वाला एक रोग होता है, जो टिटनेस हो जाना, गला बंद होना, व्यक्ति की मृत्यु होना, ये भी चीजें यहां पर हो जाती हैं। नवम घर के अंदर जो सूर्यदेव होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, चाहे मित्र राशि में हो चाहे शत्रु राशि में हो, ठीक है। यहां मैं कहना चाहूंगा सूर्यदेव अगर नवम घर के अंदर सूर्यदेव है तो आप यकीन मानिएगा कि आपको पूर्वजों के माध्यम से और अपने इष्ट आराध्यों के माध्यम से आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे आपके भाग्य भाव में सूर्यदेव आए, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। बस ऐसे व्यक्ति को जो है हमेशा सूर्यदेव की कुंडली के अनुसार अध्ययन करवाने के बाद कि सूर्यदेव का आपको दान करना है, सूर्यदेव को आपको जल देना है, सूर्यदेव का आपको स्टोन पहनना है, सूर्यदेव का कोई सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है कोई कवच पहनना है या कोई विशेष कुछ करना है, अगर आप अपने भाग्य का पूरा साथ चाहते हैं तो ये जरूर विशेष करवाए, वरना सूर्यदेव भाग्य भाव के बहुत ही अच्छे होते हैं। पराक्रम भाव पर दृष्टि चलती है, पराक्रम भाव से व्यक्ति मेहनत करता है और सूर्यदेव उसका भाग्य चमकाने में मदद करते हैं। दशम भाव में सूर्यदेव मंगलदेव दिग्बली हो जाते हैं, ठीक है। तो
तो सूर्यदेव का दशम भाव में होना सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्यदेव की महादशाएं ऐसे बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी कुंडली के अंदर ये जरूर चेक करवाना है कि दशम घर के जो सूर्यदेव है उनपे किसकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और उनका अंश बल क्या है, और कुंडली के अंदर वो कारक हैं या मारक हैं। तो जैसा भी है वो आप जरूर अध्ययन करवाइएगा और दसवें घर के सूर्यदेव को इतना बल दे दीजिएगा कि आपका जो जिसको बोलते हैं फ्लैग, वो फ्लैग आपका लग जाए, यानी आपके नाम की तूती, आपके नाम के झंडे गड़ने लगे आपके कार्य क्षेत्र में। लाभ भाव के अंदर सूर्यदेव भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर ये कुंडली के अंदर कारक हो या मारक हो या त्रक भाव के स्वामी हो, ठीक है, तो यकीन मानिएगा सूर्यदेव यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलता है, पिता से विशेष लाभ मिलता है, ठीक है, और कभी कभी क्या है कि अगर मंगल की भी स्थिति अच्छी है तो बड़े भाइयों से भी लाभ मिलता है। और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसका नाम सम्मान मान बना रहता है। बारहवें घर के अंदर सूर्यदेव जो है उनकी महादशा अगर स्टार्ट हो जाती है तो साफ सबसे पहली चीज क्या है, बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कोर्ट केस पहले चलने वाला हो तो उसको आप तुरंत बंद करवा दीजिए, नंबर वन। कोई रोग है तो उसका विधिवत इलाज करवाइए, नंबर टू। नंबर थ्री, अगर कोई जो है पारिवारिक कलह है और वो दिखाई पड़ रही है हो सकती है तो उसको तुरंत खोद खाद के ठीक ठाक करके उसको पूरा ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके संग संग क्या है कि अगर आपने कोई अनुष्ठान, कोई देवतीय, कोई मतलब देवीय अनुष्ठान आपने बोल रखा है, या कोई कहने का तात्पर्य किसी प्रकार का आपने कुछ ऐसा बोल रखा है कि भाई मेरा ये काम हो जाए मैं ये कर लूंगा, और कोई भी ऐसी पूजा पाठ बोल रखी है, कुछ भी बोल रखा है, उसको आप तुरंत ही, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपने तीन चीज, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई कर्ज है निपटा दो, अगर कोई केस है निपटा दो, अगर कोई देव बोल है, देव बोल का मतलब होता है कि कुछ आपने बोल दिया कि मैं ये करूंगा, वो निपटा दो, ठीक है, और अपनी कुंडली के अनुसार सूर्य का दान बारहवें घर में है, कारक है तो जाप और कवच, ये जरूर कुंडली का अध्ययन कराओ, वरना ये सब दरवाजे खुल जाएंगे। और संग संग अस्पताल के साथ भी, हो सकता है कोई दीर्घकालीन 5-6 साल का रोग भी लग जाए, और भाई साहब इंसान बीमार तो 24 घंटे भी नहीं रह सकता। तो ये जो था 12 भाव के अंदर सूर्यदेव अगर है कुंडली के अंदर और किस प्रकार का प्रभाव देंगे और किस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य क्या करेंगे, किस प्रकार से जो है आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव की महादशा शुरू हो गई है या चल रही है, चलने वाली है, तो अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए हमारा जो नंबर है, फिर से मैं बोलूंगा, 90-12-95-17-57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका अपना चैनल है शिव शक्ति मातृ छाया परिवार।